हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। तो पार्ट द लर्निंग हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर का क्या क्या यूनिट होता है, उस यूनिट्स को किसने दिया, फिर उन यूनिट्स में क्या रिलेशन है, इन चीजों को हम लोग आज इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए पार्ट द लर्निंग हब से और सीखते रहिए। चलिए तो हम देखते हैं क्या कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटीज है और जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूनिट में मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्सियस स्केल में हम लोग मतलब डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, फिर केल्विन स्केल का यूज करते हैं तो केल्विन में हम लोग मेजर करते हैं, फॉरेनहाइट स्केल का यूज करते हैं तो फॉरेनहाइट में मेजर करते हैं। मतलब कि बस सिर्फ टेम्परेचर ही है लेकिन उसको हम लोग मेजर करते हैं अलग अलग यूनिट में। ओके, जैसे कि आप लोग केजी में भी यूनिट मास को मेजर करते हो, ग्राम में भी करते हो और डिफरेंट तरह से भी करते हो। तो उसी तरह से आप यहाँ पे टेम्परेचर का भी जब यूनिट आप डिफरेंट डिफरेंट यूज करके आप मेजर करते हो टेम्परेचर का। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम लोग वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हम देखते हैं, तो वो अगर सेल्सियस स्केल्स का यूज करते हैं तो आपको आता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम लोग फॉरेनहाइट स्केल का यूज करते हैं तो आपका वाटर का जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। लेकिन जब हम लोग केल्विन स्केल का यूज करते हैं तो 273 केल्विन होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड 373 केल्विन होता है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं क्या कि ये आपका जो ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, ये तो फिक्स्ड है ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट भी तो फिक्स्ड है ना, ये भी फिक्स्ड है। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्यों आ रहे हैं? तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग डिफरेंट स्केल का यूज कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट यूनिट का यूज कर रहे हैं। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम कैसे चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में एंड केल्विन को फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिएगा और साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन हम आपको एनसीईआरटी का भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और तो बने रहिए और एंड तक देखिए वीडियो को। चलिए तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डिग्री सेल्सियस है, ये जो फॉरेनहाइट है, ये जो स्केल केल्विन है, इन स्केल्स को किसने डेवलप किया, किसने बनाया। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जनरल साइंस का भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपको जीके जीएस के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाएंगे ये। तो एंडर्स सेल्सियस जो थे इन्होंने सेल्सियस स्केल का बनाया, ठीक है, और इनके ही नाम से सेल्सियस डिग्री सेल्सियस रखा गया। लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन केल्विन स्केल को बनाया और इन्हीं के नाम पे केल्विन रखा गया यूनिट। डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने फॉरेनहाइट स्केल बनाया और इनके नाम पे फॉरेनहाइट रखा गया। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से यहाँ पे और भी सीख लीजिए आप कि जैसे यहाँ पे आप सेल्सियस लिखते हो तो कैपिटल सी लिखते हो, फॉरेनहाइट लिखते हो तो कैपिटल एफ लिखते हो, केल्विन लिखते हो तो कैपिटल के लिखते हो, अगर आप स्मॉल के लिखते हो तो वो किलोग्राम वाला हो जाता है, ठीक है, ये स्मॉल के लिखते हो तो किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप केल्विन लिखना चाहते हो तो आपको कैपिटल ही लिखना होगा। अब हम कैपिटल, कुछ यूनिट्स को हम लोग कैपिटल में डिनोट करते हैं, कुछ यूनिट को हम लोग स्मॉल से डिनोट करते हैं, जैसे कि केजी लिखना रहता है तो स्मॉल के स्मॉल जी लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? तो जिस यूनिट से किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ रहता है, लिंक्ड रहता है, तो उस यूनिट को हम लोग कैपिटल लिखते हैं। जैसे देखिए ये सेल्सियस, अंडर सेल्सियस जी जुड़े हुए इनसे, फिर केल्विन जी जुड़े हुए हैं के से और फॉरेनहाइट जी जुड़े हुए हैं एफ से, तो इसलिए हम लोग इन जो सिंबल से इसको हम लोग कैपिटल यूज करते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये डिफरेंट होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो आज आपको हम एक रिलेशंस बताएंगे जो सिर्फ आपके क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 के लिए ही नहीं रहेगा, बल्कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको वो हेल्प करेगा। तो चलिए आइए सीखते हैं कि इन तीनों यूनिट्स में क्या रिलेशन है। इससे पहले आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू केल्विन। ओके, कैपिटल के है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जिससे साइंटिस्ट का नाम जुड़ा रहता है उसको हम लोग कैपिटल लिखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ओके, केजी के बड़ा लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप केजी वाले के को बड़ा नहीं लिख सकते हो। आप अगर ये बड़ा लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन ग्राम, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो आप ध्यान देना, कभी भी आप लिखना तो केजी लिखना तो स्मॉल कैसे, स्मॉल जी से लिखना, बट अगर आप केल्विन लिखना तो कैपिटल कैसे लिखना। ओके, चलिए तो अब हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं कि इन यूनिट्स में क्या रिलेशन है। तो वहीं यहां पे एफ मतलब फारेनहाइट माइनस 32 बाई 180 और यहां पे लिखेंगे के माइनस 273 बाई 100। ओके, तो जो सेल्सियस स्केल होता है या बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच 100 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस 100 देते हैं। ठीक है, फारेनहाइट स्केल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे 32 से स्टार्ट होता है एंड 212 तक जाता है। 32 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फारेनहाइट का 32 होता है और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो होता है आपका 212। तो इसका हम डिफरेंट की जब बात करेंगे तो इसमें ये कितने होंगे, तो ये 180 होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 180 के केल्विन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 200 ये जीरो आपका स्टार्ट होता है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो होता है आपको 273 और यहाँ पे होता है 373। तो इसमें डिफरेंस हो जाता है 100 का, तो यहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों हम यहाँ पे 100 से डिवाइड दें या क्यों यहाँ पे 180 से डिवाइड दें, क्यों यहाँ पे 100 से डिवाइड दें हैं और यहाँ पे हम 0 माइनस किया, यहाँ पे 32 माइनस किया, यहाँ पे 273 माइनस किए। तो ये आपका जब रेशियो हम लोग निकालते हैं और ये आपका हो जाता है इक्वल। ओके, तो ये आपका रिलेशन हो गया सेल्सियस से फारेनहाइट से, फारेनहाइट से केल्विन में। अगर हमको तो इसको और इजी करते और इसको सिंप्लीफाई करते तो ये जीरो और ये जीरो तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 9 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको रिलेशन मिल जाएगा क्या, C/5, C/5, फिर मिल जाएगा आपको एफ माइनस 32/9 इज इक्वल टू के माइनस इज इक्वल टू के माइनस 273/5। ओके, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा, आपको इसका ही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेहतर होगा यही याद कर लीजिए, इतना आपको याद करने की जरूरत है नहीं। तो इस पे अब हम क्वेश्चंस क्या करेंगे, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखिए, ये है आपका डिग्री सेल्सियस और ये है केल्विन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के रिलेशंस को यहां पे पुट कर लेंगे। तो C/5 इज इक्वल टू के माइनस 273/5। ओके, अब इस रिलेशंस को हम लेकर यहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए, तो कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहां पे आप 25 पुट कर दो, 25/5
डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 5। यहां पे देखिए 5 5 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, एक कोई हम ऐसा भी सेशन रखेंगे जहां पे हम लोग सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, तो आप भी कैसे कैंसिल होता है ये सब वहां पे हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको ये 5 5 कैंसिल हुआ, इधर हुआ केल्विन माइनस 273, अब ये माइनस में है तो यहां पे आके प्लस हो जाएगा 25 प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 7 प्लस 2 9 हो जाएगा आपका, और ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपका केल्विन। तो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 298 केल्विन। ओके चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जनरल कॉम्पिटिशन्स हो या फिर आपके किसी भी क्लासेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको अक्सर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है, तो अब यहाँ पे देखिए माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस है और ये क्या है, फारेनहाइट है, तो आप किस रिलेशन को लोगे, तो आप लोगे सेल्सियस और फारेनहाइट वाले रिलेशन को यहाँ पे लोगे, ठीक है। तो आप लेंगे सी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। ओके अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेल्सियस का वैल्यू दिया, सेल्सियस का वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा आपका माइनस 40 बाई 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 32 बाई 9। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 8 बाई 1 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ माइनस 32 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस उधर जाके आपको प्लस हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू 72 माइनस 72 प्लस 32, तो डिफरेंस साइन रहता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इससे से आपको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये आपको 0, ये 40, और साइन उसका रहेगा जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो 72 माइनस में है, माइनस का वैल्यू ज्यादा है इसलिए यहाँ पे साइन आपका हो जाएगा माइनस, तो फारेनहाइट भी आपका माइनस हो। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है कि किस टेम्परेचर पे आपका सेल्सियस स्केल्स और फारेनहाइट स्केल्स दोनों सेम दिखाता है, तो आप बताओ माइनस 40 डिग्री सेल्सियस था और आपका आंसर जब फारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट ही आया है, तो इसका मतलब दिस इज द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस स्केल्स एंड फारेनहाइट स्केल्स सो सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट। फ्रेंड आप इसको ना याद भी कर लो, क्योंकि आप कन्वर्ट क्यों करोगे ये याद करो, चूंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक मार्क तो ऐसे ही मिल जाएगा, बस थोड़ी से यहां से दिमाग देने के। तो और भी आपको किसी भी जो इसको नंबर्स को कन्वर्ट करना है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डालिए और मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, उसको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उस पर और भी एक वीडियो बना देंगे। तो बढ़ते रहिए, पार्ट ऑफ द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है और अपनी तैयारी जारी रखिए, और इस लॉकडाउन में भी हम लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आप लोग के स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग से भी हमको ये उम्मीद है कि आप खुद तो स्टडी करोगे ही करोगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।